So welcome back to my channel, guys. तो फिलहाल मैंने ये कुछ मंगवाया है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा. तो फिलहाल हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट. आपको दिखाता हूँ कि क्या है, कैसा है और कितने ग्राम का मैंने मंगवाया है. फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं. पहले इसको यहाँ से काट देते हैं. क्या है ये, खोलने तो दे कि क्या है, दिखाऊंगा उसके अंदर क्या है. ओके, बहुत खतरनाक पैकिंग किया है भाई साहब, तारा भाई चौकीदार. इसमें करते हैं तो अभी भंडर आ जाएगा. भंडर तो अभी फिलहाल पैकेट को तोड़ दिया है मैंने. ये है एक्चुअली, ये इस तरफ का है. तो इस पे लिखा है डॉक्टर चारकोल. डॉक्टर चारकोल 200 ग्राम का मैंने मंगवाया है. ये स्पेशली आप घर पे कहीं पे भी रख सकते हो, जो जहाँ पे भी आपको लगता हो कि मुझे स्मेल आ रही, इस चीज़ की स्मेल आ रही, पसंद नहीं है, गाड़ी में भी रख सकते हो. मतलब मैंने स्पेशली तो गाड़ी के लिए ही मंगवाया है. तो इस तरह सा पैकिंग आता है. और कैंची काटते काटते, कैंची से काटते काटते ये भी कट गया है. तो अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इस तरह से पैकिंग आता है, इस तरह से. इसमें चारकोल होता है, बहुत हाई सेंसिटिव चारकोल होता है. तो इस तरह से पैकिंग है. 200 ग्राम का मंगवाया है फिलहाल. तो मैंने चेक करने के लिए, एक साल तक चलेगा, कहीं पे भी रख दो, गाड़ी में, घर में, जहाँ भी स्मेल आती हो. तो फिलहाल तो मैं गाड़ी में रखूँगा इसको. गाड़ी में रखते हैं सुबह इसको. फटाफट गाड़ी खोलो. तो है ना, हमने यहाँ पर लटकाना है. बहुत सही बात है ना, ये जगह एकदम फिक्स हो गई हमारी. इसको यहाँ पे रख दिया, अच्छे से रख दिया है. मतलब परफेक्ट जगह है यार ये तो, इसके लिए परफेक्ट जगह हो गई. ये सब कचरा भी साफ करना है मुझे गाड़ी में से. चलो भाई, रख दिया है गाड़ी में. चलो अभी गाड़ी में से निकल जाते हैं. तो फिलहाल रख दिया इसको गाड़ी में. अभी 2-3 दिन बाद देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी के अंदर स्मेल आती है कि नहीं आती है. चलो चलते हैं फटाफट, चेक करते हैं कि कैसा रिजल्ट मिला है. तो हमारी गाड़ी सामने ही पड़ी है. ओ, मैंने ओके, मैंने सामने रख दिया था. ये जो है हमें एक्चुअली एक साल तक चलता है, उसमें ऐसा लिखा था कि एक साल तक तो चलता ही है ऑलमोस्ट. और धूप में उसको चार्ज करना पड़ता है, मतलब धूप के अंदर रखना पड़ता है 1-2 घंटा. तो मैंने उस डैशबोर्ड पे रख दिया था कि सीधे धूप आ रही है तो उसके अंदर ही वो चार्ज हो जाए. तो दिन में एक या दो घंटा आपको रखना पड़ता है इसको चारकोल, डॉक्टर चारकोल को. और गाड़ी में ऐसे ही कोई स्मेल नहीं आ रही मुझे, उसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है. मतलब जो उन्होंने दावा किया है कि आपको गाड़ी में से बैड स्मेल आती है, वो क्या है, कई बार गाड़ी बंद पड़ी रहती है तो आपको वो किसी को उल्टी का प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर स्मेल की वजह से, तो उस टाइप की कोई स्मेल नहीं आ रही है. हाँ, कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि आपको गाड़ी के अंदर कोई फ्रेशनर रखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे नेचुरल एयर मिलेगी आपको गाड़ी में. ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मेरे को, नेचुरल एयर नहीं मिल रही. उसका भी एक रीज़न है क्योंकि सब कांच बस सब बंद रहते हो, अंदर एयर आ नहीं पाती है. तो वो भी एक रीज़न है कि आपको गाड़ी में कोई नेचुरल एयर नहीं मिलेगी. उसके लिए आप कोई अच्छा सा फ्रेगनेंस रख सकते हो, जो आपकी आपको जो मतलब जो स्मेल आपको गाड़ी के अंदर चाहिए वो रख सकते हो. कई बार क्या होता है ना कि गाड़ी के अंदर हम फ्रेगनेंस रखते हैं, गाड़ी बंद पड़ी रहती है, और फिर हम जब आते हैं गाड़ी में बैठते हैं तो बहुत सारी स्मेल्स जो हम लोग खाते हैं गाड़ी में, वो सब भी उसकी भी स्मेल सब मैशअप हो जाती है. उसकी वजह से किसी को उल्टी की प्रॉब्लम होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को सर चकराने लगता है. तो वो सब ना हो, इसीलिए मैंने ये मंगाया था. ये असर तो हो रहा है इसका कि कोई स्मेल नहीं आ रही मेरे को गाड़ी में बैठने के बाद भी. तो अच्छा रिजल्ट मिल रहा मुझे. एक्चुअल एक
एक आध महीने के बाद मुझे समझ में आएगा कि गाड़ी के अंदर स्मेल आ रही कि नहीं आ रही है। वैसे अभी तो कोई स्मेल नहीं आ रही गाड़ी में से, कि फ़ायदा हुआ है मुझे थोड़ा सा। तो अभी मैंने फ्रेगनेंस नहीं लगाया था, इसीलिए मैंने फ्रेगनेंस नहीं लगाया था कि इसका मैं टेस्ट कर सकूं प्रॉपर। अगर मैं फ्रेगनेंस लगाता तो मुझे समझ में नहीं आता कि गाड़ी में से स्मेल आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि फ्रेगनेंस की स्मेल भी मिक्स हो जाती। तो मैंने फ्रेगनेंस नहीं लगाया था। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे फ्रेगनेंस लगाना पड़ेगा, गाड़ी में से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, तो अभी फ्रेगनेंस लगाऊंगा मैं और फिर उसके बाद चेक करूंगा कि हाँ कि अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक करके, और फ्लिपकार्ट पे जहाँ पे भी मिलती है वहाँ पे 530 में मुझे पड़ा है, तो उस हिसाब से एक साल के अंदर 530 अच्छा, मतलब प्राइस अच्छी है 530, कोई ज़्यादा नहीं। दिस इज ऑलवेज फास्ट विल नेवर कम, डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर, लिव लाइफ टुडे, आई लव यू माई फ्रेंड्स, होप यू एन्जॉय योर एवरी सिंगल डे। So take care, bye bye. मिलते हैं next vlog में. Take care, bye bye.